नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीणा बीए सेकंड ईयर की मध्यकालीन भारत का इतिहास की क्लास लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आप सभी का कस्तूरी महादेवी विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम हमने लिखा था विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। तो टॉपिक में जैसे हमने कल कुछ विदेशी यात्रियों का वृत्तांत पढ़ा था, तो उसी कड़ी में हम आगे चलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि विदेशी यात्रियों के वर्णन से क्या महत्व होता है। तो देखिए, विदेशी यात्री जो होता है वो अपना आँखों देखे हाल का वर्णन वो करता है, उसमें जो है एक पार्शलिटी या यूँ कहे कि उसमें विसंगतियों का जो है वो चांसेस बहुत कम होते हैं, और ये समकालीन इतिहास को जानने का हमारा बहुत अच्छा साधन होता है। तो देखिए, यहाँ बात करेंगे हम, नेक्स्ट हम करेंगे फर्नांडिस नूनीज। नेक्स्ट जो हमारा यात्री है उसकी बात करेंगे हम फर्नांडिस नूनीज। इसमें लिखेंगे फर्नांडिस नूनीज भारत में 1535 से 1537 के तक रहा या आया। यह एक पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी था। फर्नांडिस नूनीज जो है यह पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी था और यह विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के टाइम में आया था। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा बनता है कि नूनीज भारत में किसके शासनकाल में या किस विजयनगर के शासक के काल में आया था। तो यह आया था 1535 में और ये इसका शासक का नाम क्या है, अच्युत देव राय। तो अच्युत देव राय के शासनकाल में फर्नांडिस नूनीज आया था और जो नूनीज है वह अच्युत देव राय के शासन की घटनाओं का वर्णन करता है। तो इस दृष्टि से ये क्या हो जाता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है, आगे लिखेंगे रोल्फ फिंच। देखिए जो रोल्फ फिंच है उसका बहुत ही, उसने कुछ ऐसा वर्णन किया है जहाँ अधिकतर जो हमारा इसके बारे में कोई अन्य उल्लेख नहीं करते हैं। तो रोल्फ फिंच भारत में अकबर के शासनकाल में आया। यह एक अंग्रेज व्यापारी था और इसने, टाइम पीरियड इसका लिख लीजिएगा 1583 से 1591 तक, 1583 से 1591 तक रोल्फ फिंच भारत में अकबर के शासनकाल में आया, जो कि एक अंग्रेज व्यापारी था और इसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और इसने अपने जो है क्या नाम से भारत के विभिन्न भागों का यह दौरा करता है और उसका आंखों देखा वर्णन यह अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है। तो रोल्फ फिंच किसके शासनकाल में आया था, अकबर के शासनकाल में, और कौन था यह, एक अंग्रेज व्यापारी। नेक्स्ट लिखेगा विलियम हॉकिंस, 1608 से 1611, बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम हॉकिंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है पीसीएस एग्जाम्स में, यूपीएससी में भी कई बार, यूपीएससी में तो इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हाँ, बाकी बीए स्टैंडर्ड में भी ऐसा नहीं है, बीए स्टैंडर्ड में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो विलियम हॉकिंस एक अंग्रेज था जो कि ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के राज दरबार में आया और उसने भारत में अंग्रेजी व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जहांगीर से बात की। इसने क्या किया, विलियम हॉकिंस ने क्या किया, भारत में अंग्रेज जो व्यापारी थे उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और उससे वार्तालाप की। इस दृष्टि से विलियम हॉकिंस
इस दृष्टि से विलियम हॉकिंस अपने प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल भी रहा। इस दृष्टि से विलियम हॉकिंस अपने प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल भी रहा और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को सम्मान देने के लिए 400 का मनसब भी प्रदान किया अब लिखेगा सर टॉमस रो। नेक्स्ट है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आया और उसने अपनी किताब पूर्वी देशों की यात्रा और उसने अपना यात्रा वृत्तांत किसके नाम से लिखा है? पूर्वी देशों की यात्रा के नाम से उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। किसके नाम से लिखा है? पूर्वी द्वीपों की यात्रा के नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, जिसमें टॉमस रो मुगल दरबार में होने वाले षड्यंत्रों का आंखों देखा हाल बयां करता है और वह तत्कालीन मुगल व्यापार का भी उल्लेख करता है और वह तत्कालीन स्थिति में जो मुगल व्यापार चल रहा था उसका भी वह उल्लेख करता है। तो सर टॉमस रो का टाइम पीरियड क्या है? सर टॉमस रो का 1615 से 1619 तक रहा। ये 3 वर्ष तक यह भारत में रहा था। 3 वर्ष तक इसने भारत का भ्रमण किया था और इसने अपनी जो किताब है पूर्वी द्वीपों की यात्रा के नाम से एक किताब या यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसमें वह जो मुगल दरबार है उसके षड्यंत्रों का वह वर्णन करता है। भारत के विभिन्न स्थानों की इसने यात्रा की उनके बारे में वह बताता है और भारत के जो मुगल व्यापारी थे उनके व्यापार का भी यह उल्लेख करता है। तो इस दृष्टि से हमारे सर टॉमस रो क्या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीटर मुंडी। देखिए पीटर मुंडी जो है, पीटर मुंडी 1630 से 1634 में भारत आया था। पीटर मुंडी जो है 1630 से 1634 में भारत आया था और वह 1630 से 1634 में भारत आया था और वह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया और पीटर मुंडी ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत में पड़ने वाले दुर्भिक्ष का उल्लेख करता है। दुर्भिक्ष मतलब अकाल। तो एकमात्र पीटर मुंडी ऐसा इतिहास का यात्री है जो कि भारत में पड़ने वाले अकाल या दुर्भिक्ष के बारे में वह चर्चा करता है या वह लिखता है। और किसके शासनकाल में आया था? यह आया था शाहजहां के काल में। और कब आया था? 1630 से 1634 तक वह भारत में रहा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस विदेशी यात्री या विदेशी इतिहासकार ने या किस विदेशी ने किस फॉरनर यात्री ने भारत में अकाल पड़ने की बात कही है तो किसने कही है? पीटर मुंडी ने। और पीटर मुंडी किसके काल में आया था? शाहजहां के काल में आया था। और शाहजहां के काल में क्या कहता है वो कि भारत में अकाल या दुर्भिक्ष का वह उल्लेख करता है। तो नेक्स्ट आप लिखेगा विलियम फिंच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इन्होंने कुछ ऐसी बातों को उजागर किया है जो अभी तक किसी दूसरे व्यक्ति जो दूसरे यात्री ने उन बातों को उल्लेख नहीं किया है। जैसे कि यह अनारकली जो सलीम और शहजादा सलीम और उसकी प्रेम कथा का वर्णन करता है, एकमात्र पीटर मुंडी विलियम फिंच ऐसा इतिहासकार है जो अनारकली का उल्लेख करता है। अधिकतर इतिहासकार यही कहते थे कि अनारकली एक काल्पनिक पात्र है, किंतु यह अनारकली को क्या मानता है? एक जीवंत पात्र मानता है।
मानता है, और इसी दृष्टि से इसका यात्रा वृतांत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी दृष्टि से पढ़ने के, मुगल एम्पायर को जानने के लिए। तो लिखेगा विलियम फिंच 1608 ईस्वी। विलियम फिंच जहांगीर के शासनकाल में भारत आया, विलियम फिंच जहांगीर के शासनकाल में भारत आया, और उसने भारत में मनुष्य, पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों, भारत की जलवायु आदि सभी का उल्लेख किया है, आदि सभी का उल्लेख उसने किया है। इसके साथ साथ आदि सभी का वह उल्लेख करता है, इसके साथ साथ वह, इसके साथ साथ विलियम फिंच एकमात्र ऐसा यात्री या एकमात्र ऐसा इतिहासकार हुआ है जिसने अनारकली का उल्लेख किया है। यह अपने यात्रा वृतांत में, विलियम फिंच अपने यात्रा वृतांत में अनारकली का उल्लेख करता है। विलियम फिंच एक ऐसा यात्री रहा है, एकमात्र ऐसा यात्री है जो सलीम और अनारकली की प्रेम कथा को एक्सेप्ट करता है, और अनारकली को एक काल्पनिक पात्र ना मान के वह अनारकली को क्या क्या मान रहा है, वह अनारकली का उल्लेख करता है। और यह किसके शासनकाल में आया था, यह आया था अपने जहांगीर के शासनकाल में। उसने इसके साथ साथ बुलंद दरवाजे का भी उल्लेख किया है, विलियम फिंच ने इसके साथ साथ बुलंद दरवाजे का भी उल्लेख किया है, और वह इसे दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा मानता है, और वह इसे दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा मानता है। विलियम फिंच ने बुलंद दरवाजे का भी उल्लेख किया है, और वह इसे दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा मानता है। वह पूर्व दिशा में लाहौर को, पूर्व दिशा में भारत के लाहौर नगर को सबसे बड़ा नगर मानता है। वह पूर्वी दिशा में भारत के लाहौर नगर को, पूर्वी जो दिशा थी उसमें सबसे बड़ा नगर मानता है, नगर मानता है। तो देखिए, विलियम फिंच जो है इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, भारत के पशु पक्षी है, भारत की जो वनस्पति है, भारत का जो सामाजिक ढांचा है, उसका यह बहुत बारीकी से उल्लेख करता है। इवन यह बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी जाता है, और बुलंद दरवाजे की तारीफ में उसे भारत का सबसे ऊँचा या विश्व का सबसे ऊँचा जो दरवाजे की संज्ञा वो देता है। इसके साथ साथ वो लाहौर जो है, पूर्वी दिशा का लाहौर हमारा जो नगर था उस समय का, उसको सबसे बड़ा, लाहौर को सबसे बड़ा नगर की संज्ञा यह देता है। इस प्रकार से विलियम फिंच जहांगीर के जहांगीर के शासनकाल को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत बन जाता है। आगे लिखेगा एडवर्ड टेरी 1616 से 1619 में भारत आया। जो एडवर्ड टेरी था वह 1616 से 1619 तक का इसका टाइम पीरियड है, और यह भी एडवर्ड टेरी भी जहांगीर के शासनकाल में, एडवर्ड टेरी भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आया, और विशेष रूप से इसने मुगल सिक्कों के बारे में अपना उल्लेख किया है। वह अपने यात्रा वृतांत में भारतीय सिक्कों की तारीफ करते हुए यह कहता है कि विश्व के अन्य देशों से अधिकतम शुद्धतम सिक्के भारत में चलते हैं। तो देखिए, यह क्या करता है, यह आके भारत जहांगीर के शासनकाल में आया, और यह भारतीय सिक्कों का उल्लेख करता है, भारत की अर्थव्यवस्था का उल्लेख करता है, भारतीय सिक्कों की यह तारीफ करता है, भारतीय सिक्कों के बारे में यह सकारात्मक पहलू रखता है, भारतीय सिक्कों को इसने विश्व के सबसे शुद्धतम सिक्के कहा है। शुद्धतम मतलब सबसे ज़्यादा उनमें प्योरिटी है। अगर कोई सोने का सिक्का है तो उस सोने के सिक्के में सबसे ज़्यादा प्योरिटी है, और यह भारतीय सिक्कों के लिए रुपया शब्द का प्रयोग करता है। भारतीय सिक्कों को इसने क्या कहा है, रुपया शब्द का प्रयोग यह करता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिक्कों के लिए यह रुपया शब्द का प्रयोग करता है।
जो कि वर्तमान समय में भी एक आम धारणा में प्रचलित है। तो एडवर्ड टेरी का क्या 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 इम्पोर्टेंस बन जाता है, एडवर्ड टेरी का यह इम्पोर्टेंस बन जाता है कि यह मुगल शासन के अर्थव्यवस्था के बारे में, मुगल सिक्कों के बारे में, यह हमारे को सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट। देखिए, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट एक डच व्यापारी था, डच यात्री था। और इसके यात्रा वृतांत का सबसे महत्वपूर्ण वर्णन यह कहे कि यह बयाना में नील की खेती का उल्लेख करता है। यह क्या करता है फ्रांसिस्को पेल्सार्ट, यह सबसे ज़्यादा विशेषकर नील की उत्पादन के बारे में यह हमें जानकारी देता है। और बयाना में यह नील उत्पादन का केंद्र था, मध्यकालीन भारत का बयाना मध्यकालीन भारत का नील उत्पादन का विशेष केंद्र रहा था। नील उत्पादन के बारे में यह जानकारी देता है और नील की खेती का यह उल्लेख करता है। विशेष तौर से बयाना का उल्लेख करता है कि बयाना में नील की खेती होती थी। आगे लिखेगा, आगे है हमारा जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। अंग्रेज यात्री था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। 1638 से 1663 ईस्वी में भारत आया जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। 1638 से 1663 में भारत आया, अंग्रेज यात्री था। और इसने जो अपना यात्रा वृतांत दिया है उसको क्या नाम क्या लिखा है उसने, ट्रेवल्स इन इंडिया। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर का जो यात्रा वृतांत है वो क्या कहलाता है, ट्रेवल्स इन इंडिया। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर का यात्रा वृतांत क्या कहलाता है, ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवल्स इन इंडिया। टाइम पीरियड है 1638 से 1663 ट्रेवल्स इन इंडिया में ट्रेवर्नियर मुगल कालीन भारत का उल्लेख करता है। इसने भारत का भ्रमण किया। ट्रेवर्नियर ने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और उन सभी का आंखों देखा वर्णन किस में करता है, वो ट्रेवल्स इन इंडिया में वह इसका उल्लेख करता है। यह एक ट्रेवर्नियर हीरे का व्यापारी था। ट्रेवर्नियर क्या था, हीरे का व्यापारी था। एक बार पूछा हुआ है ट्रेवर्नियर किसका व्यापार करने के लिए भारत आया हुआ था, तो यह किसका, एक हीरे का व्यापारी था। अब हम आगे चलेंगे, निकोलाओ मनुची 1653 से 1708 तक भारत में रहा। निकोलाओ मनुची 1653 से 1708 तक भारत में रहा 1653 से 1708 तक भारत रहा और मनुची के यात्रा वृतांत, और यह मनुची का जो यात्रा वृतांत है वह मुगल कालीन उत्तराधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का विशेष साधन है। मुगल काल में जो औरंगजेब के बाद में जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़े गए थे उसका शाहजहां के बाद में उत्तराधिकार के युद्ध लड़े गए थे उसको जानने का विशेष जो है हमारा विशेष उल्लेख यह करता है, क्योंकि यह दारा सिखों का तोपची था और सामूगढ़ के युद्ध में यह उसका प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति था। तो यह इसका यह क्या था, दारा सिखों के समय में शासनकाल में आया था। दारा सिखों ने इसे तोपची के पद पर बनाया था और यह अपने जो शाहजहां के शासनकाल के बाद शाहजहां के पश्चात उसके पुत्रों में जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था उसमें सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था उसका यह क्या था, प्रत्यक्षदर्शी था। सामूगढ़ के युद्ध का यह प्रत्यक्षदर्शी था और यह दारा सिखों का तोपची था। यह कहता है दारा सिखों का तोपची था, किसके शासनकाल में आया था, दारा सिखों के टाइम में आया था। दारा सिखों का तोपची था और किसका उल्लेख करता है, विशेष तौर से उत्तराधिकार के युद्ध का उल्लेख करता है और उत्तराधिकार में भी यह सामूगढ़ के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। तो ठीक है, आगे लिखेंगे फ्रांसिस बर्नियर।
फ्रांसिस बर्नियर 1656 से 1717 तक भारत में रहा। फ्रांसिस बर्नियर का टाइम पीरियड लिख लीजिएगा 1656 से 1717। और यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया तथा यह पेशे से एक चिकित्सक था। पेशे से क्या था? एक चिकित्सक था। फ्रांसिस बर्नियर पेशे से चिकित्सक था और इसने अपना जो यात्रा वृत्तांत वो किस नाम से लिखा है? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। और इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा है, वह ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। फ्रांसिस बर्नियर साझा के शासनकाल में आया, 1656 से 1717 ईस्वी का टाइम पीरियड है और बर्नियर ने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। ट्रेवल इन मुगल एम्पायर मुगल शासन के बारे में जानकारी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस प्रकार से अब इसको एक बड़े क्वेश्चन में अगर हमें समाप्त करना है तो कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ा 20 नंबर का आपका मैंने टॉपिक पूरा करवा दिया है। वन वर्ड के हिसाब से भी बात हमने कर ली है, जो 50 शब्द है बड़ा 5 नंबर का उसके हिसाब से बात कर ली है, और बड़े शब्द के इतना लिखने के बाद हम इसको कैसे समाप्त करेंगे तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो इस थोड़ा लिखिएगा, इस प्रकार से जितने भी विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने मुगल कालीन भारत का एक आंखों देखा हाल हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जो न केवल विश्वसनीय है अपितु तत्कालीन मुगल परिस्थितियों को समझने में हमारी सहायता करता है। कुछ अंग्रेज या विदेशी यात्रियों ने निष्पक्ष रूप से अपना आलोचनात्मक अध्ययन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जो कि मध्यकालीन भारत को या मुगलकालीन भारत को जानने का हमारा साधन बना। तो देखिए ये आज हमने हमारा टॉपिक जो मैंने परसों चालू किया था, हमारी 2-3 क्लास में हमने ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। बड़ा टॉपिक था ये, टॉपिक का मैं वापस नाम रिपीट कर देता हूँ। आज जो टॉपिक है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक था मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के सोर्सेज। तो ये सोर्सेज का बड़ा टॉपिक था, 20 नंबर का क्वेश्चन था। 20 के चलते चलते इसमें जो 2 नंबर के भी बने, 5 नंबर के भी बने, तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ आपको लगभग 25 से 30 नंबर का आपका मैटर तैयार करा दिया। और अब हम जो आगे का हमारा टॉपिक रहेगा उस पर कल परिचर्चा करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप लोग जो हमारी कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज है उसमें मेरे समक्ष जुड़िएगा और हमारे जो अध्ययन के लिए एक प्रयास है उसमें निरंतरता के साथ उसको हमें ज्वाइन करिएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जो हम आपको पाठ्य सामग्री यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं उसका आपको लाभ मिले। और मैं समझता हूँ किताब सब आप लोगों ने ले ली होगी, LP शर्मा मध्यकालीन भारत का इतिहास या BL गुप्ता मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसी के साथ मैं मुकेश कुमार मीणा आप सभी से इजाज़त चाहूँगा और हम कल इस जो आगे का टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।